हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सुकन्या समृद्धि योजना पर कई वीडियो बनाए हैं और सभी वीडियो बहुत अच्छे चले हैं। उनमें से एक वीडियो तो ऐसा है जिसपे 2.2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया है। जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा और लाइक किया, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड, जब भी आप किसी योजना में अपने पैसे को निवेश करें तो उसके लाभ के साथ साथ उसकी हानियों का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी मकसद से मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सुकन्या समृद्धि योजना के डिसएडवांटेज के बारे में पता चल सके। मेरा आज का इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन ना करें। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना के डिसएडवांटेज के बारे में भी पता चल जाए ताकि आपको बाद में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के साथ। और अगर आप हमसे और अच्छे से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के 7 डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है आयु सीमा का। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए शर्त रख दी गई है कि 10 साल तक की बेटी का अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर आपकी बेटी 11 साल, 12 साल या 13 साल की है तो आप इस योजना में अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये एज लिमिट 15 साल तक हो सकती थी, तो सरकार को ये चाहिए कि वो इस एज लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके और ज्यादा लोग इस योजना में अकाउंट को ओपन कर सकें। तो एज लिमिट जो है वो काफी बड़ा डिसएडवांटेज है इस योजना में। और अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो वो अगला डिसएडवांटेज है, इस योजना के तहत आप केवल 2 अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। यानी कि आपकी 2 बेटी हैं तो केवल आप 2 बेटियों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तीसरी बेटी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक विशेष परिस्थिति ऐसी है जब 3 बेटियों के अकाउंट ओपन हो सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि यदि माता के पहले प्रसव से 1 बेटी है और दूसरे प्रसव से 2 बेटी यानी जुड़वा पैदा हो जाती हैं तो इन तीनों ही बेटियों के अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर जनरली 3 बेटियां हैं, एक एक बेटी 3 बार में हुई है, तो आप केवल 2 बेटियों के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, 3 बेटियों के अकाउंट्स को ओपन आप नहीं कर सकते। ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। जिन लोगों के 3 बेटी हैं या फिर 4 बेटी हैं तो वो लोग इस योजना का पूरा लाभ नहीं ले सकते, केवल 2 बेटियों के लिए अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है सुकन्या समृद्धि योजना का। और अगर अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो अगला डिसएडवांटेज जो है वो है लॉक इन पीरियड। इस योजना का जो लॉक इन पीरियड है वो काफी लंबा है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा अकाउंट खोलने के 14 वर्षों तक आपको लगातार जमा करना है और इस अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 वर्ष का, जो काफी बड़ी अवधि होती है। अगर सरकार चाहती तो इस मैच्योरिटी पीरियड को थोड़ा सा कम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने इस मैच्योरिटी पीरियड को काफी लंबा रखा है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक डिसएडवांटेज है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा सा कम हो सकता था, काफी अच्छा रहता, काफी लोगों को फायदा हो जाता। और अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो अगला डिसएडवांटेज है इसमें सबसे बड़ा, वो है कि आप इसमें ऑनलाइन पैसा जमा नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही जमा किया जा सकता है। आप इसमें ऑनलाइन किसी भी तरीके से पैसे को जमा नहीं कर सकते। ये भी काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए तो वो इस अकाउंट में पैसा कैसे जमा करेंगे, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है इस अकाउंट के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें ऑनलाइन फैसिलिटी होती पैसा जमा करने की तो काफी अच्छा बात होती। और अगर अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो अगला डिसएडवांटेज है इस योजना का, वो है कि आप इस योजना के अकाउंट में किसी भी तरीके का लोन नहीं ले सकते। देखिए, वैसे इस योजना का जो लॉक इन पीरियड है वो बहुत लंबा है, 21 साल तक है। अगर सरकार चाहती तो इस पर लोन फैसिलिटी रख सकती थी, जैसे पीपीएफ अकाउंट में होती है। पीपीएफ अकाउंट में आप
कुछ समय के बाद लोन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर सरकार चाहती तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर भी लोन फैसिलिटी रख सकती थी। कुछ समय बीतने के बाद इस अकाउंट पर लोन लिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इस पे किसी भी तरीके की लोन फैसिलिटी को नहीं रखा है, तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। और अगर अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो अगला डिसएडवांटेज है इसमें प्रीमैच्योर विड्रॉल। सुकन्या समृद्धि खाते को समय पूर्व नहीं बंद किया जा सकता। बस एक ही कंडीशन है जिसमें अकाउंट को समय पूर्व बंद किया जा सकता है, दुर्भाग्य से अगर कन्या की मृत्यु हो जाती या फिर कन्या के अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ये काफी दुख की बात है कि कभी जरूरत पड़ने पे इस अकाउंट को बीच में बंद नहीं किया जा सकता जनरल कंडीशन में, तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है इस योजना का। और अगर अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो अगला जो डिसएडवांटेज है वो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस योजना का, और वो है इसका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर दिया जाने वाला जो ब्याज दर है वो सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बदलता रहता है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार चेंज होता रहता है। 2015-16 में इंटरेस्ट रेट जो था इस अकाउंट में वो 9.2 था, और वो लगातार कम होता चला गया, और अब दिसंबर में आकर 2017-18 में इस इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, और ये इंटरेस्ट रेट 8.1 ही रह गया केवल। तो ये काफी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार लगातार इस योजना में इंटरेस्ट रेट को लगातार कम करती जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और सरकार को इस योजना के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये योजना हमारी बेटियों के लिए है। कम से कम इस योजना पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप ये सभी डिसएडवांटेज जानने के बाद इस अकाउंट को ओपन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार आपसे फिर से मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया, और मेरा इस टाइप का वीडियो बनाने का मकसद केवल यही था कि आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, और आप इस योजना का अकाउंट ओपन करने के बाद ये ना सोच सकें कि हमें ये पहले नहीं पता था। तो अब आपको इसके लाभ और हानियां सब कुछ पता चल चुकी हैं, और अगर आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट है इस योजना के बारे में, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करके इस योजना के बारे में सभी वीडियो देख सकते हैं और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्किल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए, और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और फ्रेंड्स, आप हमसे और अच्छे से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।